नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ी बहस न्यूज 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने एक रोज पहले अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आर टाइम्स में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से कर दी है, जिसके बाद इस पर विवाद खड़ा हो गया है। और बीजेपी ने इस मुद्दे पर सलमान खुर्शीद को ही नहीं बल्कि पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी को घेर लिया है। इसी पर हम करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है, परिचय करवा दूं। अनिला सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं, सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, फैजान खान, प्रवक्ता बीएसपी के हमारे साथ जुड़ेंगे, और शिवम त्यागी भी राजनीतिक विश्लेषक होंगे हमारे साथ। इसके अलावा इलियास शराफुद्दीन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले सलमान खुर्शीद का बयान और उस पर बीजेपी का गौरव भाटिया की तरफ से पलटवार। सरकार में है, मुझे हिंदुत्व का मतलब नहीं बता पाए। क्या बात है, हिंदुत्व का मतलब लिंचिंग है कि नहीं है? हिंदुत्व का मतलब कहीं आग लगाना है कि नहीं है? बता दें कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये लोग तो कुछ और हैं। बोल दें वो कुछ और लोग हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? हिम्मत नहीं है क्या? अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं है? बस दूसरों पर उंगली उठाने की हिम्मत है, अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं है? लिखें किताब, बताएं कितना उदार है, कितना अच्छा है, बताएं। देश के जो बहुसंख्यक हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान, बलिदान इस देश को अखंड रखने में, मजबूत रखने में रहा है, उनकी भावनाओं को कुचल डालो, उनको बार बार चोट दो, और इसी ये पर एक सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है। तो आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वागत है। मैं शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी इस डिबेट की आपके साथ करना चाहती हूं। बीजेपी इस पूरी किताब के एक पन्ने को लेकर लगातार कांग्रेस को और सलमान खुर्शीद को कोस रही है। जरा बताइए कि हिंदू और हिंदुज्म में फर्क क्या है जिसको लेकर लगातार बवाल किया जा रहा है? प्रीति जी, एक ही फर्क है सिर्फ और कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है, राम मंदिर के निर्माण का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, तो इनके हाथ से मुद्दा खत्म हो गया। कांग्रेस पार्टी ने इसका स्वागत कर दिया है, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग ने इसका स्वागत कर दिया है, सभी लोग पूरे उत्साह के साथ राम मंदिर के निर्माण की बात कर रहे हैं। आज इनके हाथ से जब ये मुद्दा चला गया तो कभी ये किसी की जिन्ना की बात करने लगते हैं, कभी ये किसी उसकी बात करने लगते हैं। सच बात यह है कि सलमान खुर्शीद जी की किताब है, उनको अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर उन्होंने कुछ गलत लिखा है तो जिन लोगों के लिए गलत लिखा है, जिन संगठनों के लिए गलत लिखा है, जिन संगठनों से गलत तरीके से तुलना की है, उन सारे के सारे संगठन को कोर्ट ऑफ लॉ में जाना चाहिए और कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के ये सारी बातें करनी चाहिए। कल कंगना रानावत नाम की एक अभिनेत्री जो नरेंद्र मोदी जी की बड़ी प्रिय है, जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला, उन्होंने साथ में ये भी तो कहा कि भाई भारत को आजादी भीख में मिली है। किसी आदमी ने उस पर बहस की क्या? भीख में आजादी मिली हम लोगों को। एक तरफ ये लोग सिर्फ चुनावी स्टंट के लिए, चाहे वो कंगना रानावत हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अन्य लोग हो, हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बेरोजगारी पर होगा, महिलाओं के प्रति जो अपमान किया है उस पर होगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव किसानों के मुद्दे पर होगा, किसानों की समस्याएं सॉल्व करने के मुद्दे पर होगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी भी तरीके से किसी सलमान खुर्शीद साहब की किताब पर नहीं होगा, किसी फर्जी और क्या नाम गलत तरीके की बातों पर नहीं होगा, हिंदू मुसलमान पर नहीं होगा, सांप्रदायिकता पर नहीं होगा। ये जो आपने अभी फर्जी शब्द का इस्तेमाल किया सुरेंद्र जी, मैं इस पर आगे आऊंगी, लेकिन इस पर जो आपने बात कही है, मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, उस पर अनिला जी आपका वक्तव्य, वो तो कह रहे हैं कि आपको तकलीफ है तो जाइए कोर्ट ऑफ लॉ में। नहीं देखिए, मैं क्या कहूं कि इस देश का दुर्भाग्य कहूं और या ना कहूं कि इस देश में सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाला एक राजनीतिक दल, यानी कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आज हम 75वां वर्ष मना रहे हैं अपनी देश की आजादी का, और सबसे ज्यादा राजनीतिक दल जो सत्ता में रहा उसकी मानसिकता आप देख लीजिए किस प्रकार की है। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि किस प्रकार से हिंदुओं को यहाँ पे नीचा दिखाया गया, सनातन धर्म को यहाँ पर खत्म करने का प्रयास किया गया,
क्योंकि इनके खुद की राजनीतिक दल में इस तरीके के सिपाही बैठे हैं जो गजवाए हिंद का जो एक मिशन है उसको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। मैं कहूंगी पूरी साजिश में डूबी हुई है कांग्रेस पार्टी 1947 से लेकर आज हम देख रहे हैं कि 2021 हो गया है, परंतु इनकी सोच बिल्कुल बदली नहीं है। हमारे हिंदुत्व को ये जो है आतंकी जो संगठन है उसके साथ उसकी तुलना करते हैं, बोको हराम के साथ हमारे हिंदुत्व की तुलना करते हैं, आइसिस के साथ हमारे हिंदुत्व की तुलना करते हैं। ये वो सनातन धर्म है या हिंदुत्व जिसको बोलते हैं, एक एनलाइटेंड लिविंग जो होती है वो हिंदुत्व होती है, वो हिंदुज्म होती है। सनातन धर्म तो सर्वधर्म संभाव को बोलते हैं। हम तो बोलते हैं कि भाई सारे धर्मों का हम स्वागत करते हैं, सारी जातियों का हम स्वागत करते हैं, आप विश्व के किसी कोने से भी आओ हम आपको गले लगाएंगे। और ये लोग क्या करते हैं, हमें आतंकी बताते हैं और इन सबके सुर एक जैसे हैं। यहाँ पर ये तो आतंकवादी संगठनों के साथ हम लोगों को जोड़ देते हैं और वही इनके छोटे भाई अखिलेश यादव जी जो हैं जिन्ना की तारीफों के पुल बांधते हैं, उनके चेले जो अभी नए नए बने हैं राजनीतिक जी को आप सुन रहे हैं और बहुत मुस्कुरा रहे हैं। आपको क्या बहुत अच्छा लग रहा है कि हिंदुत्व जिसे वसुदेव कुटुंबकम के तौर पर जाना जाता है जिसकी परिभाषा को, उसकी तुलना आईएसआईएस और बोको हराम से की जा रही है जो आतंकवादी संगठन है। प्रीति जी मैं फिर से कहूं कि आप मैं इलियासी जी के पास आना चाहती हूं। मैं सुरेन जी आप एक एक बार सबके पास मैं जाना चाहती हूं, उसके बाद फिर मैं काउंटर ले लूंगी आपसे। पहले इलियास शराफुद्दीन। हाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदू और हिंदुइज्म पे यकीन रखने वाले थे और सावरकर गोवलकर और नाथुराम गोडसे हिंदुत्व आतंकवादी थे, तो दोनों का अंतर समझ जाइए सबसे पहले आप। आज अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जिंदा होते और किताब लिखते तो आरएसएस को उन्होंने आतंकवादी बोलकर बैन क्यों किया था, क्यों आरएसएस ने कैसे महात्मा गांधी को मरवाया था उसके ऊपर एक पन्ना नहीं पूरा एक चैप्टर लिखते थे। हिंदुत्व आतंकवादी के माने हैं देश में आग लगाओ, हिंदू कौन सी नई परिभाषा आप दे रहे हैं, हिंदुत्व आतंकवादी को मारो। इलियास शराफुद्दीन आप कह रहे हैं हिंदुत्व आतंकवादी, आप तो कांग्रेस पार्टी के सलमान खुर्शीद से भी एक कदम आगे जा रहे हैं। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जुबान बोल रहा हूँ, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जुबान बोल रहा हूँ जिन्होंने आरएसएस को आतंकवादी संगठन बोलकर बैन लगाया था, हिंदुत्व को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक कट्टर हिंदू थे, तो हिंदू और हिंदुइज्म अलग है, हिंदुत्व और आरएसएस और बीएसपी और बीजेपी के आतंकवादी अलग है, नथुराम गोडसे की दुनिया अलग है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया अलग है। गजब परिभाषा आप दे रहे हैं शिवम त्यागी, अलग तरह की परिभाषाएं मैं यहाँ पर सुन रही हूँ। पहले हिंदुत्व की अलग परिभाषा मैंने सुनी जिसे वसुदेव कुटुंबकम के तौर पर मैं जानती थी, लेकिन अब देखिए किस तरह से हिंदुत्व आतंकवादी की एक नई परिभाषा क्रिएट की गई है। प्रीति जी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं, अभी अपड़ कहूं इनको या क्या कहूं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ये गोलवालकर और सावरकर को आतंकवादी कह रहे हैं, देश में नेशनल टेलीविजन पर बैठकर जिस व्यक्ति को दो बार काला पानी की सजा मिली हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट इज डेड, उस आदमी को बैठकर ये आतंकवादी कह रहे हैं इस देश के राष्ट्रीय चैनल पर। और इनको ये भी नहीं पता कि आरएसएस को बैन किस लिए किया गया था, अरे आतंकवादी घटनाओं के लिए बैन नहीं किया गया था। कृपया करके पढ़ तो लिया कीजिए सरफुद्दीन, मतलब बैठ के गाली देना यही एजेंडा है क्या, मतलब हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुओं को गाली देनी है, जितना मर्जी दो डेटा हो ना हो, कुछ पता हो ना हो, क्या कहना है पता हो ना हो, बस गाली देनी है तो कुछ भी कहते रहो। और दूसरी बात एक और है, जहां तक सुरेंद्र जी ने जिन्ना की बात की, जिन्ना की बात क्या बीजेपी ने की है क्या भाई, जिन्ना को कौन लाया, बीजेपी लाई क्या, नहीं, जिन्ना को लाए आपके मित्र समाजवादी पार्टी वाले, जो यूपी को जो ये साथ पसंद था वो लेकर आए, जिन्ना की बात कर रहे हैं। और एक चीज बताइए, ये किताब क्या बीजेपी ने लिखवाई है क्या, सलमान खुर्शीद कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, पूर्व सरकार में एक कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, और उनका इस तरह से लिखना कि आज का जो हिंदुत्व है वो बोको हराम और आईसिस जैसा है, तो या तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनको बोको हराम और आईसिस का मतलब नहीं पता। बोको हराम जो वहां की सरकार को हटाकर वहां पर इस्लाम का कब्जा करवाना चाहती है, क्या हिंदुत्व ऐसा कुछ करना चाहता है? आप बीजेपी को हिंदुत्व की सरकार कहते हैं, अगर बीजेपी ऐसी होती तो अब तक तो ये हिंदू राष्ट्र हो गया होता, तो कम से कम बात कीजिए। और दूसरा भाई सलमान खुर्शीद ने जो कहा उस पर कांग्रेस क्या कहती है, कांग्रेस इसके साथ है नहीं है, कांग्रेस इस बात को मानती है कि नहीं है, क्या राहुल गांधी जी ने कहा है इस बात को, क्या प्रियंका जी ने कहा है कि देश के हिंदुओं का अपमान करो, जैसे राहुल गांधी जी कहते थे कि भाई मंदिर में जाने के बाद यही लोग जो है लड़कियों को छेड़ते हैं बसेस में, ये इन्हीं के तो बयान है।
राम मंदिर के विरोधी ये, मंदिर के विरोधी ये, मंदिर में जाने वाले लोगों को रेप करने वाला बताने वाले ये, आज इस देश में हिंदुओं को बोको हराम से कंपैरिजन करने लगे। शिवम, सलमान खुर्शीद की इस किताब के उस पन्ने पर यह भी लिखा गया है कि ऐसा लगता है कि अयोध्या का फैसला किसी एक पक्ष का ही फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सलमान खुर्शीद अपनी उस किताब में सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कोई बहुत नई बात नहीं है प्रीति जी, सलमान खुर्शीद या फिर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल ना उठाए, उठाने की तो बहुत दूर की बात है। शाहबानो केस में इन्होंने तो फैसला पलट तक दिया था, ये तो पलट देते हैं। ये कहां, ये एक पूरा चेन है इनका, ये राजमाता से जुड़ी हुई पार्टी, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्या है, जो ये करें बस वही सही है, बाकी सब कुछ गलत है। और जहां तक बात मैं कहता हूं राम मंदिर के फैसले की है, इन्होंने हर कोशिश की, हर संभव प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए 2019 से पहले कि इस फैसले को अभी चुनाव से पहले नहीं आना चाहिए क्योंकि ये चुनाव पर असर डालेगा। तो ये चीजें तो लगातार हुई है कांग्रेस की तरफ से। आज अगर सलमान खुर्शीद बैठ कर हिंदुओं को गाली दे रहे हैं या हिंदुत्व को आतंकवादी बता रहे हैं, फॉर दैट मैटर अगर सुरेंद्र राजपूत जी के धर्म को भी वो आतंकवाद और आतंकवादी और बोको हराम बता रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा से इसी को करते आए हैं और आगे यही करेंगे, और ये सलमान खुर्शीद का नहीं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है और हमेशा से दिखा है ये। सराफुद्दीन जी, मुझे लगता है कि एक एक करके हम बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। शिवम को सुन लीजिए, उसके बाद आप भी कह लीजिएगा अपनी बात को, अभी बहुत वक्त है हमारे पास जी। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता था कि अगर ये किताब को देखकर आपको कोई नई बात लग रही है तो नहीं, बिल्कुल नहीं। वो राजमाता रो दी थी, बटला हाउस को देखकर, एनकाउंटर को देखकर, आतंकवादी को देखकर बहुत दर्द हुआ था। अभी आपने देखा ही होगा पिछले दिनों इस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति की किताब, उसमें किस तरह की चीजें आई थी। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी जो एजेंडा है कांग्रेस का, ये सर्वोपरि है। और मुझे लगता है कि कितना भी समय बीत जाए, इनकी नफरत और इनके दिल में और इनके नेताओं के दिल में जो हिंदुओं के प्रति नफरत है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। नफरत की बात कर रहे हैं शिवम त्यागी, और आप बीच बीच में मुस्कुरा भी रहे थे, मुस्कुरा रहे थे सराफुद्दीन की बात पर या फिर शिवम की बात पर। मैं मूल रूप से तीन तीन, जो दो दो तीन तीन भाजपा के प्रवक्ता हैं, मैं उनकी बात पर कुछ घोषित हैं कुछ अघोषित हैं। प्रीति जी, सच बात ये है, फिर से मैं आपसे बता देता हूं, एक बात आप समझ लीजिए बहुत साफ, आप चाहे किताब पढ़िए चाहे न पढ़िए, आप तो हिंदुस्तान की मानी जानी प्रस्तोता हैं। किसी भी आदमी ने सनातन धर्म की कोई बुराई नहीं की, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की कोई बुराई है, और उन ऑर्गेनाइजेशंस को, चाहे वो वीएचपी हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे और कोई दल हो, इन्हें अगर कोई आपत्ति है इनकी बुराई की, ये कभी, ये हमेशा भाजपा वालों की एक आदत रही है कि हम कहें कि साहब चीन सीमा में हमारी घुस आया है, तो ये लोग कहेंगे अरे सेना का अपमान कर दिया। हम कहेंगे भगवान श्री राम का ये चंदा चोर चंदा खा गए, अरे कहें राम मंदिर का अपमान कर दिया। उसी तरीके से हम कहेंगे कि ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे नाथुराम गोडसे टाइप के लोगों की। अच्छा, हिंदुत्व बोको हराम है क्या? तो आप बीच में मत बोलिए, हिंदुत्व आईएसएस है क्या? मैं आपसे बीच में बोलने के लिए मना कर रहा हूं, जो भी आदमी बोल रहा है उसको। हिंदुत्व बोको हराम है क्या, बता दीजिए ना, सीधी सवाल, सीधा सा बात है, इसमें कोई घमघोर ना करना क्या? ये कौन है ये आदमी? हिंदुत्व बोको हराम है क्या? शिवम, शिवम, शिवम त्यागी है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है। शिवम, ठीक है, आपने अपने सवाल पूछ लिए ना, बार बार इंटरप्ट मत कीजिए। चलिए ठीक है, सुरेंद्र जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। सुरेंद्र जी, मैं फिर से मैं बताता हूँ आपसे, हिंदुत्व हो चाहे हमारा हिंदू धर्म हो चाहे सनातन धर्म, तीनों चीजों में कोई भी क्या नाम गड़बड़ नहीं हो सकता, ना ही कोई धर्म ना इस्लाम गड़बड़ हो सकता है। हाँ, उसको मानने वाले कुछ लोग जो अपना संगठन बनाते हैं वो सही या गलत हो सकते हैं, जैसे इस्लाम को मानने वालों ने कोई आईएसआई या संगठन बनाया है, उसी तरीके से अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट संगठन इस तरफ बना है तो उसको उसको सुरेंद्र राजपूत जी, आप क्या बात कह रहे हैं? देखिए, आपने एक बात कही, अभी तक कांग्रेस पार्टी ये कहती रही कि सलमान खुर्शीद ने जो भी अपनी किताब में लिखा वो उनके निजी विचार थे, लेकिन आप जिस तरह की तुलना बता रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आप सलमान खुर्शीद की बातों को मानते हैं और उस पर यकीन रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं, हंस भी रहे थे। पूरी 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 बात सुनिए प्रीति, देखिए आधी बात सुनकर के आप भी अगर शिवम त्यागी की तरीके से नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या है। मैं सीधा सीधा सा कह रहा हूं, जिन संगठनों को लगता है कि सलमान खुर्शीद ने गलत कहा है वो संगठन कोर्ट ऑफ लॉ में जाए, नंबर एक। और नंबर दो, सलमान खुर्शीद का जो पन्ना मैंने पढ़ा है उसमें
में कुछ संगठनों को इन्होंने तुलना की है जो कि उचित नहीं है, और अगर वो उचित भी नहीं है तो जाएं वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं। तो सच बात ये है कि बोको हराम से तुलना कर दी, आपको गलत नहीं लगता? ऐसा है शिवम त्यागी, तुम कितना भी कुछ कर लो, तुम्हें कितने भी रुपए मिलते हो भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से, आदरणीय सुरेंद्र जी, हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और आरएसएस से हो गई, आपको बुरा नहीं लगता? आपको बुरा नहीं लगता? कोई जवाब? अरे आप भी तो हिंदू है, आपको आतंकवादी बता दिया आरएसएस का क्या है? बुरा नहीं लगता आपको? चोनर पना कर रहे हैं, बुरा नहीं लगता आपको? बुरा नहीं लगता आपको? बेशर्मी कर, अरे आतंकवादी बता दिया हिंदुत्व को भाई, बुरा नहीं लगता आपको? अरे आत्मसम्मान बेच खाया क्या? बुरा नहीं लगता आपको? बताइए, मूल रूप से भारतीय जनता आतंकवादी कह दिया आपको भाई, बुरा नहीं लगता? मुझे तो लगता है, और बहुत स्पष्ट रूप से अगर आपको बुरा लगता है तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में, तो आपको बुरा नहीं लगता? मुझे तो लग रहा है, लेकिन दुख इस बात का है कि बड़े भाई को नहीं लग रहा, सुरेंद्र राजपूत को, सुरेंद्र राजपूत को बुरा नहीं लग रहा? आप तो हिंदू हैं शिवम, शिवम और शिवम, जैसे इस तरीके से आप सुरेंद्र जी को बोलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, कब तक इन मुद्दों पर चुनाव होगा? जिन्ना पर चुनाव होगा, मुसलमानों पर चुनाव होगा, अयोध्या पर चुनाव होगा, असल मुद्दों की बात होगी कि नहीं होगी कभी? प्रीति जी, आप मुझे एक चीज बताइए ना, आप एक चीज बताइए, सलमान खुर्शीद बीजेपी के लीडर अगर हो, या फिर बीजेपी के नेता हो, या बीजेपी ने उनको केंद्रीय मंत्री बनाया हो, या बीजेपी के कहने से वो बोलते हो, या बीजेपी जो उनको बोलती है वो बोलते हो, तो सुरेंद्र राजपूत जी आप बता दें, इनके खुद के नेता इनके कंट्रोल में नहीं है, या फिर यूं कहिए कि ये बार बार उनको कह रहे हैं बोलने के लिए, तो हम सवाल भी ना पूछें? हम नहीं चाहते जिन्ना पर चुनाव हो, लेकिन अखिलेश यादव अगर जिन्ना को आई लव यू बोलेंगे तो हमारी तो मजबूरी है ना, हम तो जवाब मांगेंगे उनसे। अरे उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आपको माइनॉरिटी अपीजमेंट करना है तो आप जिन्ना को ले आए, और अगर हम सवाल पूछ रहे हैं, ये बात हो गई कि इस पर चुनाव क्यों हो रहा है, जवाब दीजिए इन मुद्दों पर, जवाब दीजिए। लेकिन लेकिन सलमान खुर्शीद की बात को उन्होंने ऑन नहीं किया, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये उनके निजी विचार है, ये भी तो हिंदू है ना, इनका क्या स्टैंड है? ये कोर्ट ऑफ लॉ में ये क्यों नहीं जाते? अपने नेता के खिलाफ जाएं, राहुल जी के खिलाफ बोलने पे नेता के ऊपर टमाटर तो फेंक सकते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ बोलने पे चुप बैठ जाएंगे क्यों? ये बताइए महिलाओं के अपमान पर क्या बोलेंगे? अरे बिल्कुल बोलिए, हर चीज पर बात कीजिए, लेकिन ये आपका ये आईएसएस प्रेम, आईएसएस प्रेम या बोको हराम प्रेम कब खत्म होगा भाई? उस पर ये लोग क्या बोलेंगे? कह दीजिए ना उत्तर प्रदेश को कि हमें बस 19% की वोट चाहिए, कह दीजिए प्रदेश के वोटर को, कह दीजिए हमें मुस्लिमों से मतलब है, हिंदुओं की तो हम जितना अपमान हो सकेगा करेंगे, मंदिरों का भी अपमान करेंगे, हिंदुओं का भी अपमान करेंगे, सबका अपमान करेंगे, हिंदुत्व का भी अपमान करेंगे, उनको गाली देंगे, सीधा कह दीजिए ना। कब तक ये राम के बच्चों? अरे हम तो बिल्कुल नहीं कर रहे, आप कर रहे भाई, ये आपको अपने पूर्व केंद्रीय मंत्री जी को जाकर समझाना चाहिए इस तरह से बोलती हूँ कि थोड़ा सब्र कीजिए। अनिला जी बहुत देर से चुप हैं और उंगली उठा रही हैं कुछ कहने के लिए। अनिला जी, मुद्दों पर चुनाव कब होगा इस देश में? देखिए, मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे राजनीतिक दल है कि जो निरंतर 365 दिन 24 घंटे तैयारी करती है, और तैयारी जब की जाती है तो केवल और केवल एक वर्टिकल पे नहीं की जाती है, वो सभी वर्टिकल्स पे की जाती है। बात करिए ना, किस पे बात करना चाहते हैं विरोधी दल? क्या निरंतर हम बात नहीं कर रहे? हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं कर रहे हैं क्या? क्या हम जो हेल्थ सेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे? शांत रहिए, मैं बहुत देर से चुप होकर बात सुन रही थी, और ये बोल रहे थे यहाँ पे इलियास, बोल रहे थे वल्लभ भाई पटेल के लिए कट्टर हिंदू। हिंदू का मतलब कभी भी कट्टर नहीं हो सकता, क्योंकि एक किताब के द्वारा हम गवर्न नहीं होते हैं, हमारे हाथ में एक किताब नहीं होती है जो ये बताए कि ये करो ये नहीं करो, ये काफिर है, इसकी गर्दन जो है कलम कर दो। हमारे पास एक किताब नहीं है, पूरा सबको अपने आप में संभालने वाला ये धर्म है, तो कृपया करके कट्टर हिंदू वाला शब्द मत इस्तेमाल करें। और सुरेंद्र राजपूत जी चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, और सुरेंद्र जी आप कह रहे थे ना कि मुकदमा दायर कर दे, चिंता मत करिए, उत्तर देना पड़ेगा, मुकदमा भी दायर होगा। आप कह रहे थे ना कि जैसे कि इस्लाम में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग खराब होते हैं, जो खराब लोग होते हैं वो आतंकवादी बन जाते हैं, ऐसे हिंदुओं में होता है, तो लिख देते ना आपके नेता नाम। किसका नाम लिखना चाह रहे थे? आरएसएस का नाम लिखना चाह रहे थे? आरएसएस को आप लोग बताते हैं कि आतंकवादी संगठन है? इस देश की जनता से पूछ कर देखो कि आरएसएस जो है एक आतंकवादी संगठन है या देश हित में कार्य करने वाला एक ऐसा संगठन है जिसे आप जैसे लोगों की कोई कौड़ियों की जरूरत नहीं होती है। ये वही सलमान खुर्शीद है ना, प्रीति जी एक सेकंड दीजिएगा, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। इनकी दूसरी किताब थी एट होम इन इंडिया, जिसमें इन्होंने लिखा था, सलमान खुर्शीद ऑन द 1984 सिख जिनोसाइड, ही सेड,
या ही रोट देर वॉज ऑल्सो अ टेरेबल सेटिस्फैक्शन अमंगस्ट मुस्लिम्स हु हैड नॉट कंप्लीटली फॉरगॉटन द पार्टीशंस अनप्लेजेंट आफ्टरमैथ हिंदूज एंड सिक्स वर अलाइक पेइंग फॉर देयर सिंस इनका कहने का अर्थ यह है कि जब सिखों का जनसंहार हुआ था 1984 में जब कांग्रेस की एक बड़ी नेता का पॉलिटिकल असैसिनेशन हो गया था उस पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि आज मुसलमानों को बड़ी आत्मा उनकी उनको शांति मिली होगी क्योंकि 1947 के जो घाव थे उनके भरे नहीं थे हिंदुओं और सिखों ने जो उनके साथ किया था आज कहीं ना कहीं उसका रिपोर्ट अनिला जी की इस बात का जवाब दीजिएगा दिया है मैं सुरेंद्र राजपूत जी को वापस लाना चाहती हूँ इस डिबेट में सुरेंद्र राजपूत जी ये मुझे बताइए कि हिंदुत्व एक मिनट शराफुद्दीन जी आ रही हूँ आपके पास मुझे ये बताइए कि हिंदुत्व की वजह से कहां पर किस मुल्क में आतंकवाद है हिंदुत्व ऐसी कौन सी विचारधारा है जो लोगों पर कहीं किसी हिस्से में थोपी जा रही है और हिंदुत्व की वजह से किसने AK-47 उठा ली है जो बोको हराम और साथ ही साथ किस तरह से ISIS से तुलना की गई है उस किताब में आपने कभी लिट्टे का नाम सुना है प्रीति जी आपने तो सुना ही होगा आप तो बहुत सीनियर पत्रकार है आपका हमारा तो साथ बहुत पहले से एक बात आप बताइए देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे कौन था आप हमें बताइए किस विचारधारा से प्रेरित उसने हमारे बापू की हत्या की थी आप मुझे बताइए मैं फिर से कहता हूँ कि महात्मा को मारने वाला आतंकवादी ही था जिस विचारधारा से प्रेरित होके आया था वो आतंकवाद की विचारधारा थी आप मेरी बात को समझिए दूसरी बात मैं आपसे कह देता हूँ एक चीज को बिल्कुल बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि मैं फिर से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और कुछ इनके संगठन के लोग जो देश विरोधी गतिविधियों में है वो धर्म के पीछे छुप करके शिखंडी की तरीके से छुप जाते हैं उसी तरीके से जैसे जब हम सीमा पर प्रश्न करते हैं तो सेना के पीछे छुप जाते हैं जब हम चंदा चोरी के ऊपर प्रश्न करते हैं तो भगवान श्री राम के पीछे छुप जाते हैं जब हम कहते हैं कि हमारे बच्चों को करोड़ों बच्चों को रोजगार दे दीजिए तो फिर कहते हैं जय श्री राम की बात करते हैं हम भी जय श्री राम कहते हैं हम भी जय सिया राम कहते हैं और ये वो लोग हैं जो सीता मैया को काल्पनिक बताते हैं अयोध्या में 180 फुट की मूर्ति भगवान श्री राम की तो लगा रहे हैं प्रीति जी लेकिन माता सीता की मूर्ति नहीं लगा अगर माता सीता को काल्पनिक बताते हैं तो कांग्रेस पार्टी भी वो बात याद कर ले किसने कहा था कि राम एक काल्पनिक पात्र है ये भी आपको याद होना चाहिए मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं कि अगर आप वो हलफनामा ला करके जिसमें अगर कांग्रेस के किसी भी एक नेता के दस्तखत हो कांग्रेस के किसी भी एक नेता के ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को जिन नेताओं के दस्तखत थे वो डीएमके के थे और उसी डीएमके की सरकार को 500 करोड़ रुपया अटल बिहारी वाजपेयी ने दिए थे राम सेतु को तोड़ने के लिए हमने नहीं बताया कभी काल्पनिक हमारे तो श्रद्धेय है हमारे तो आप तो रघुनंदन खुद है आप तो प्रीति रघुनंदन खुद है और हम लोग तो ऐसा सतयुग आ गया है कांग्रेस वाले भी सच बात भगवान श्री राम की इतनी तारीफ कर रहे हैं समय है समय का चक्र है अरे भाई ये बीच में कौन बोल रहा है मेरे को फिर परेशानी हो रही है मैं टीवी नहीं देख पा रहा हूँ जो भी बोल रहा हूँ मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ अपनी अपनी बारी में बोल लो नहीं तो फिर हम आपकी बारी में बोलेंगे अच्छा लगेगा मैं आपसे फिर से पूछता हूँ शिवम त्यागी यानी आप झूठे आरोप लगा रहे थे वो कह रहे हैं दस्तावेज लेकर आइए जिसमें राम को उन्होंने काल्पनिक पात्र बताया हो एक कांग्रेस पार्टी के नेता का दस्तखत चलिए जवाब ले लेते हैं शिवम ठीक है पहला लाइन से कहता हूँ इनके राहुल गांधी जी का बयान है जो लोग मंदिर में जाते हैं वही फिर बस में जाकर महिलाओं को छेड़ते हैं इनका बयान राहुल जी का बयान दो राहुल जी का बयान है सुनिए अभी दूंगा आपको अब बीच में मत बोलिए बीच में मत बोलिए आप बोल रहे थे तो देखिए कितने अब इनका प्रॉब्लम यही है लेकिन मैं चिल्ला सकता हूँ इनसे बेहतर मेरी आवाज जाएगी आप कितना भी चिल्लाइए पहला बयान 2019 में कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की कार्रवाई राम मंदिर का जो प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उसे रोकने गए थे कि नहीं गए थे दो 2007 में राम सेतु को हलफनामा इन्होंने दिया था अभी पर बैठकर झूठ बोल रहा हूं उसका भी डॉक्यूमेंट लेकर आऊंगा तीन और इसके अलावा भगवा आतंकवाद की किसने कहानी गढ़ी थी या आपने गढ़ी है कहानी भाई भगवा आतंकवाद किसने गढ़ा इस देश में आपने गढ़ा कमाल की बात है इतने नफरत और दूसरे धर्म से इतना प्यार कि माइनॉरिटीज और स्पेसिफिकली मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करते हैं सुरेन जी आप भी तो हिंदू ही हैं है ना और दूसरी बात 180 फीट 180 मीटर क्या 1080 मीटर की भगवान श्री राम की मूर्ति लगाएंगे आप भी आना स्वागत है आपका बेशक आपने कितना भी पाप किया हो
कितना भी रोका हो मंदिर को, लेकिन भगवान श्री राम तो वो हैं कि जो मरा 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 कहने वाले को भी और उसकी भी जो अरदास है उसकी भी जो वो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हो सकता है कि 200-400 साल में आपकी भी जो गलतियां आपने की हैं वो एक्सेप्ट कर ली जाए कहीं ना कहीं और आपको जो है माफ कर दे भगवान श्री राम। इस 30-40 साल में तो खैर नहीं लगता। तो मेरा अपना मानना है इतनी जल्दी आप राम के गुण गाने लगे हैं ये कहीं ना कहीं इस देश के हिंदू की, इस देश की मेजॉरिटी की और इस देश की सरकार की जीत है। मैं तो कहता हूं रोज सुबह शाम माला जपी अच्छी बात है, कम से कम कहीं तो बदलाव हुआ। जवाब दीजिए सुरन जी। बहुत अच्छी बात कही शिवम त्यागी जी। हमें नहीं पता था कि शिवम त्यागी और भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम के ठेकेदार हो गए। इन्हीं के लेटर से हमको मुक्ति मिलेगी। हमें नहीं चाहिए ऐसे हमारे भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और हम उनके वंशज हैं। आप इस चीज को भूल जाओ। एक बात मैं आपको बता देता हूं, मैं फिर से जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि भगवान श्री राम की 180 फीट की मूर्ति बन रही है, माता सीता की अगर बन रही हो तो बता दें। अनिला जी बैठी, चूंकि अनिला जी गंभीर प्रवक्ता है, अनिला जी मुद्दों की बात करती है। अनिला जी बता दें, इनको तो खैर थिथरा ही करनी है चूंकि इनके पास जिम्मेवारी कोई नहीं। दूसरी बात पे आ जाए अब हम अनिला जी की बात नफरत करने वाले माँ सीता की बात करने वाले। प्रीति जी अब हम अनिला जी की आइए हम अनिला जी की बात कर लेते हैं। अनिला जी से मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूँ कि अनिला जी की एक बात से मैं सहमत हूँ कि आइए विकास की बात करते हैं, आइए बात करते हैं मुद्दों की। तो हम पूछ लेते हैं अनिला जी से कि 70 लाख रोजगार देने का भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था उत्तर प्रदेश में, दे दिए क्या? अगर वो दे दिए होते तो आज रोजगार पर बात हो रही होती। गंगा की उतराती हुई लाशें हजारों की संख्या में जो थी और सैकड़ों किलोमीटर का जो गंगा का किनारा कब्रिस्तान बन गया था, शमशान बनाने की बात इन लोगों ने की थी, वहां पे गड़ी हुई लाशों से जवाब मांग रही हैं। ऑक्सीजन की कमी से मरते हुए लोगों ने जवाब मांगा, महिलाओं की चीर हरण हुआ उन लोगों ने जवाब मांगा, हाथरस की बेटी को डीजल पेट्रोल और केरोसिन डाल करके जला दिया गया, कस्टोडियल डेथ अभी कल अल्ताफ की हुई, उससे पहले अरुण वाल्मीकि की, उससे पहले मनीष गुप्ता को पुलिस ने मार दिया, 8-8 पुलिस वाले बिकरू कांड शहीद हो गए। आप किसी बात पर, जिस बात पर आप चाहें, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चाहें, तो आइए बात कीजिए, आइए बात कीजिए लैपटॉप के वितरण पर। चलिए अब जवाब ले लेते हैं सर, आपने तो एक बहुत ही बड़ी लंबी लिस्ट पहुंचा दी, अनिला जी तक पहुंच भी गई। अनिला जी नहीं, अनिला जी भली प्रवक्ता हैं, हम खुद कहते हैं बिल्कुल, मैं तो कहती हूं कि मुद्दों पर बात करिए। मेरा प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश जो है उसके मुख्यमंत्री जो हैं वो एक योगी हैं, एक साधु हैं, एक महंत हैं, परिवारवादिता नहीं है यहाँ पर, किसी एक परिवार को या एक राजनीतिक दल को आगे बढ़ाने वाले नहीं है यहाँ पर। इसलिए अपनी झोली में उनको कुछ नहीं डालना है, अपनी झोली से निकाल कर उत्तर प्रदेश की जनता में बांटना है। ये कार्य वो निरंतर जो है 4.5 वर्ष से करते चले आए हैं और यही उनकी ताकत है। और इसी ये ताकत कहाँ से आ रही है? उत्तर प्रदेश के लोगों ने जिस प्रकार से अपना विश्वास योगी आदित्यनाथ जी पर दिखाया है, ये ताकत वहां से आ रही है। 5-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं, क्या आप उसको नकार सकते हैं? हाँ, 8 एयरपोर्ट जो है वो संचालित हैं और 13 जो हैं वो बन रहे हैं, क्या आप उसको नकार सकते हैं? हर कबाल टाउन में मेट्रो पहुंच रही है, क्या आप इसको नकार सकते हैं? सड़कों का जो जाल बिछाया गया है, क्या आप इसको नकार सकते हैं? हर जिले में मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है, क्या आप उसको नकार सकते हैं? CSC PSC जब हम आए थे एकदम सड़ी गली हालत में थे, आज उनको पुनः उनको रिनोवेट करके लोगों को समर्पित किया जा रहा है, क्या आप उसको नकार सकते हैं? आज उत्तर प्रदेश अव्वल है, चाहे आप किसान सम्मान निधि का विषय उठा ले, शौचालय का विषय उठा ले, प्रधानमंत्री आवास योजना का विषय उठा ले, सौभाग्य योजना का विषय उठा ले, 7-8 विषय ऐसे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश में अव्वल है। कोरोना समय में जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने सिचुएशन को संभाला उसका उदाहरण जो है विश्व में स्थापित हुआ है। 25 करोड़ की आबादी है मेरे प्रदेश की, छोटी मोटी आबादी नहीं है। और उसके साथ साथ मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि ये सारे के सारे वर्टिकल्स जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, तो ये सारे के सारे वर्टिकल्स हैं, पर मैं गर्व से कहती हूं कि मेरा राजनीतिक दल वो नहीं है जो ये कहे कि केवल मुसलमानों का पहला अधिकार है हर चीज पे। हम वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति भी कैनेडा से हमने मंगवा ली, 100 वर्ष बाद मूर्ति आ रही है और वाराणसी में स्थापित भी होगी। हाँ, बिल्कुल गर्व से हम कहते हैं कि हमने रामायण सर्किट बना रहे हैं। हम जो है
क्या नाम से बौद्ध सर्किट बना रहे हैं, हम बना रहे हैं महाभारत सर्किट, हम शक्तिपीठ सर्किट बना रहे हैं, अध्यात्म सर्किट बना रहे हैं, वाराणसी का बिल्कुल हमने उसकी शक्ल बदल दी है, बिल्कुल हम गर्व से कहते हैं कि हमें अपने धर्म पे नाज है, हमें गर्व है, और हम बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है कि कहते हुए कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और प्रीति जी मैं इसीलिए कहती हूँ, नहीं मैं एक एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत जी मैं इसीलिए कहती हूँ, देखिए बहुत मैं सुरेंद्र जी की बात भी सुन रही थी कि लगातार भगवान श्री राम के विषय में बोल रहे थे। सुरेंद्र जी आप तो हिंदू हैं, आप जानते हैं कि पति पत्नी जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं, राम कहो तो सिया है, सिया कहो तो राम है। मैं एक ही बात कहती हूँ कि जरूरी है अपने जहन में राम को जिंदा रखना, पुतले जलाने से रावण मरा नहीं करते हैं। सुरेंद्र जी आपकी जो आपका जो राजनीतिक दल है ना, ये पुतले जला जला के रावण को मरता हुआ दिखाते हैं, परंतु आप लोगों के जहन में रावण जिंदा है, जब तक वो नहीं मरेगा रावण है क्या आपके जहन में बोलते रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के जहन में रावण है सुन नहीं सकते। ठीक है जवाब लीजिए। हाँ प्रीति जी बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही, सच बात है कि रावण का दहन हम 2022 में भी करेंगे, 2024 में भी करेंगे। बड़े मायावी लोगों की पार्टी है नीला जी आपकी, ये मायावी लोगों से हम बिल्कुल इस देश की जनता को छुटकारा दिलाएंगे। आपने दो तीन बातें बड़ी अच्छी कही, आपने कहा कि हमने मेडिकल कॉलेज हर उसमें, हम भी यही चाहते हैं कि इस बहस पर जरूर आए। सारे के सारे मालूम है प्रीति जी, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को पिछली सरकार ने 250 बेड का कर दिया था, इन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया, जी फैजाबाद का नाम अयोध्या कर देते, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करते, ऐसे इन्होंने कहा आज से सारे मेडिकल कॉलेजेस का नाम, सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का नाम मेडिकल कॉलेज हो गया, हो गए मेडिकल कॉलेज। आप हमको बता दीजिए एमसीआई से अगर एक भी सीट का अप्रूवल हुआ हो। एक बात और सीएससी पीएससी के लिए कह दूं, अनिला जी बहुत विद्वान प्रवक्ता है और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आती हैं ब्यूरोक्रेट्स की, तो ये सारी चीजों को रखती है। 4500 पद हैं हमारे यहां डॉक्टरों के अनिला जी, मालूम है आपको कितने पद खाली पड़े हैं उत्तर प्रदेश में? 3700 पद खाली पड़े हैं, 3700 डॉक्टर्स के पद खाली हैं, पिछले 5 साल से भरे नहीं गए, और नर्सों के वार्ड बॉयज के तो बात छोड़ दीजिए। 48 ट्रॉमा सेंटर कांग्रेस की सरकार बना करके गई थी, उसमें से सिर्फ आप 12 ऑपरेट करा पाए हैं। बनारस में जो ट्रॉमा सेंटर हमने 250 बेड का बनाया था, उसमें सिर्फ अभी तक आप 50 बेड का ट्रॉमा सेंटर बुक कर पाए हैं। किसानों को सम्मान निधि देने की आपने बात की, प्रीति जी भी किसान परिवार की हैं, आप भी किसान परिवार की हैं, 6000 रुपए साल का दे रहे हैं, और डीजल और पेट्रोल और खाद की महंगाई और डीएपी और एनपीके से आपने 22000 रुपए एकड़ किसान की फसल को खर्चे को महंगा कर दिया है, और 6000 रुपए दे रहे हैं। आप मेरी बात को समझिए, तो मैं तो आपसे, और रही बात एयरपोर्ट की, तो 2007 से जो एयरपोर्ट ऑलरेडी कुशीनगर का एयरपोर्ट, 2007 में जापान एयरलाइंस की फ्लाइट आई थी इंटरनेशनल, 2007 से जो एयरपोर्ट ऑपरेटिव है उसके 2 रनवे बना करके आप कहते हैं आपने नया एयरपोर्ट बना दिया। अरे भाई जेवर एयरपोर्ट की अभी तक आपने जमीन का अधिग्रहण नहीं किया, उसमें धारा पता नहीं कौन सी का अभी बाकायदा मुकदमा चल रहा है डीएम के ऊपर। तो मैं आपसे देखिए एक बात बताइए, मैं आपको साफ बता दूं, लखनऊ में मेट्रो चली, 1 किलोमीटर भी अगर एक्स्ट्रा आपने बनाई हो तो आप मुझे बता दीजिए। तो सच बात यह है कि खाली इवेंट मैनेजमेंट करने से कुछ नहीं होगा, 70 लाख रोजगार दिए हो तो आप बता दीजिए। तो फिर आपने अगर तो फिर जब किताब की बात आती है सलमान खुर्शीद की, तो फिर ये जो मुद्दे आप गिना रहे हैं, तो ऐसे ही किन्हीं मुद्दों को लेकर तो बात की जानी चाहिए, तो फिर काहे को हिंदुत्व का राग छेड़ दिया जाता है और हिंदुत्व को आतंकवाद के बराबर किया जाता है। इलियास बहुत देर से चुप बैठे हैं, मैं चाहती हूँ कि इलियास कुछ कहें, हमारे साथ जुड़ गए हैं फैजान खान बीएसपी की तरफ से, देर से जुड़े हैं, उनके बाद मैं फिर उन्हीं के पास जाऊंगी। इलियास मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुत्व आतंकवाद का सबसे पहला विवरण दिया था शहीद आईपीएस ऑफिसर हेमनंद करकरे ने, और आईसीस और बोको हराम ब्लास्ट करते हैं मस्जिदों में, हिंदुत्व आतंकवादी साध्वी प्रज्ञा भी ब्लास्ट करती है मस्जिदों में। आप क्या बोल रहे हैं आप? आशीष इलियास, इलियास आप क्या बोल रहे हैं? आपको ये समझ भी आ रहा है कि आप बोल क्या रहे हैं? नहीं, आप किसी भी व्यक्ति पर, नेता पर सिर्फ इसलिए टारगेट करेंगे कि उनकी एक विचारधारा ऐसी है जो आपको सूट नहीं करती है, तो सॉरी मैं आपको प्लेटफॉर्म नहीं दूंगी। आप मुझे बताइए, हिंदुत्व को आतंकवादी संगठन से कंपेयर करना सलमान खुर्शीद जब कहते हैं, तो क्या आप उसके समर्थन में खड़े हैं? आप अभी के रेलिवेंस पर बात कीजिए इलियास, आप अभी के रेलिवेंस पे बात कीजिए, आप अभी के रेलिवेंस पे बात कीजिए ना। अगर आप सोचेंगे कि मैं आपके भाषण को यहाँ मंच दूंगी, तो सॉरी मैं नहीं दे सकती। आप मुझे बताइए कि सलमान खुर्शीद कहते हैं कि हिंदुत्व आतंकवाद के बराबर है, क्या आप उस बात से सहमत है? बोको हराम के बराबर है, आईएसआईएस के बराबर है,
आप जवाब दीजिए ना इस पर, आप इस पर बात रखिए, आप इस पर बोलिए। सावरकर गोवलकर हिंदुत्व आतंकवादी थे, माइनॉरिटीज को मारो। सॉरी मैं फिर मुझे किसी और पैनलिस्ट पर जाना पड़ेगा। फैजान खान बीएसपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। फैजान जी आप बहुत देर से मेरे साथ जुड़े हैं, अभी सुरेंद्र राजपूत जी मुद्दों की बात कर रहे थे, लेकिन मुद्दों से तो ऐसा लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई सरोकार ही नहीं है, चाहे मैं कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ लीडर्स की बात कर लूं और फिर उनके स्टेटमेंट पर किस तरह की प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से आ जाती है। बीएसपी के चुनावों के क्या मुद्दे हैं? देखिए प्रीति जी, बहुत साफ तौर से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने परसों ही आप लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी इस चुनाव को हिंदू वर्सेस मुसलमान करना चाह रही है। वो जो उत्तर प्रदेश की जनता के असल मुद्दे हैं उसे डाइवर्ट करना चाहती है। लिहाजा आपने देखा इससे पहले कैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने जिन्ना का मैटर उठाया, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अब्बा जान का मैटर उठाया, और आज किस तरह से सलमान खुर्शीद साहब के एक बुक पे हिंदू बनाम मुसलमान होने लगा। तो प्रीति जी, बहुजन समाज पार्टी इन सब मैटरों में ना पड़ते हुए उत्तर प्रदेश में जनता के हित की बात करेगी, सौर समाज की बात करेगी, और असल मुद्दे जो जनता फेस कर रही है उत्तर प्रदेश की, जो कोरोना काल में हमने फेस किया, जो त्रहिमान मचा, गंगा किनारे लाशों का ढेर लगा। और प्रीति जी, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आपको माननीय हाई कोर्ट का कोर्ट किया हुआ वर्ड बता दूं कि साफ तौर से कोरोना काल में हाई कोर्ट ने इस बात से कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से मरने की जो वजह हुई वो एक नरसंहार है। ये कितनी बड़ी चोट लगी बीजेपी गवर्नमेंट पे कि कोरोना काल पे जो ये दम भरते हैं। दूसरी चीज, स्वास्थ्य सेवा उत्तर प्रदेश की राम भरोसे, ये सब बहुजन समाज पार्टी नहीं कह रही है, ये माननीय उच्च न्यायालय कह रहा है उत्तर प्रदेश का कि कोरोना काल में ये हुआ। दूसरी चीज प्रीति जी, मैं बताऊं, एक साल में, मैं आपके चैनल से बार बार ये बात को उठाता हूं, एक साल में कोरोना का इलाज डेढ़ गुना बढ़ा है। प्रीति जी मैं कहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से आप कोरोना के लिए फाइट करने की बातें करते हैं, मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं, मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन सब मुद्दों पर तो बीजेपी बात ही नहीं करना चाहती है? लेकिन फैजान ने एक बात और कही अनिला जी, जिस पर मैं चाहूंगी कि ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपसे जरूर इस पर रिएक्शन होगा कि बीजेपी इस बार के चुनाव को हिंदू मुसलमान करवाना चाहती है, एक बड़ा आरोप बीएसपी की तरफ से, और इसी के बाद हम वापस लौटेंगे ब्रेक से, तो इसी से डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। जल्द लौट रहे हैं। सलमान खुर्शीद की एक किताब का विमोचन कल हुआ और उस पर विवाद इस कदर हावी हो गया कि बीजेपी इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी को घेर रही है, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर हिंदुत्व की जिस तरह से आतंकवादी संगठन से तुलना की गई है क्या वो सही है या नहीं। लेकिन इस बीच ब्रेक से पहले बीएसपी के प्रवक्ता हमारे साथ से फैजान जी, उन्होंने एक सवाल उठाया था, उसी सवाल को लेकर अनिल जी आगे मैं बातचीत को बढ़ाना चाहती हूं, उस चर्चा को ले जाना चाहती हूं। बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को हिंदू मुसलमान के तर्ज पर ही आगे जीतना चाहती है और बढ़ना चाहती है, यह आप पर बीएसपी की तरफ से आरोप है। देखिए ऐसा है कि मैं हमेशा एक बात कहती हूं प्रीति जी की, इस देश को जो खतरा है वो जो सरहद पे आतंकवादी हमले होते हैं, चाहे हम पाकिस्तान की तरफ से देख लें या चीन की तरफ से देख लेते हैं, उससे ज्यादा खतरा नहीं है कि वो तो हमें दिखाई दे रहा है और उसका मुकाबला हम कर रहे हैं। परंतु कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल जो हैं, उनकी जो मानसिकता है उससे बहुत खतरा है इस देश को। और इस देश का, ये देश जो है आज जो डेवलप्ड कंट्री, जो विकसित देश है, उसकी कतार में इसलिए नहीं खड़ा हुआ है कि उन्होंने निरंतर इस देश के पतन के लिए कार्य किया है, क्योंकि जो भी धर्म और जाति के आधार पर देश को खंड खंड करने का काम इन्होंने किया है उससे मेरा देश जो है वो कमजोर हुआ है। मैं एक चीज जानती हूँ प्रीति जी, जब भी किसी बालक का जन्म होता है, एक तो वो माँ की गर्भ से जन्म लेता है, दूसरे संस्कृति से जन्म लेता है, और कांग्रेस पार्टी ने मेरे देश की संस्कृति को क्या बना डाला है, वेस्टनाइज कल्चर, खिचड़ी बिल्कुल, जिसको जिसको अगर आप ये कह दें कि मुझे सनातन धर्म पे गर्व है क्योंकि मैं एक हिंदू हूं, तो आपको पता नहीं क्या आतंकवादी बता दिया जाएगा। यहाँ पे जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो गर्व से कहते हैं कि मैं इस्लाम को मानता हूँ, बाकी सब काफर है। ऐसा है क्या? ये कह दे कि मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं सनातनी हूँ, तो कोई अगर गर्व से कह दे कि मैं सनातनी है तो आतंकवादी की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है? इन्होंने बनाई है, कांग्रेस ने बनाई है। मैं सुरेंद्र जी से भी जरूर जवाब लूंगी, लेकिन इलियास बहुत देर से शांत है। इलियास, मैं ये कहना चाहता हूँ, रामजादे हरामजादे, शमशान कब्रिस्तान की पॉलिटिक्स बीजेपी आरएसएस लेकर आए,
एनआरसी सीएए की पॉलिटिक्स में मुसलमानों को अलग थलग करके बीजेपी आरएसएस वाले लाए, लिंचिंग करने वालों को माला पहनाकर। आप अपनी भाषा पर जरूर संयम रखिए, आप अपनी बात रखिए, लेकिन भाषा पर संयम रखकर अगर किसी ने कहा और वो अपशब्द है तो उसे ना कहिए। मेरे प्रधानमंत्री ने तो ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कराया, देश को बेरोजगार करने में, फौजियों को मरवाने में, किसानों को मरवाने में, एससी एसटी को मरवाने में, और हाथरस की बेटी के रेपिस्टों का साथ देने में, कठुआ की बेटी के रेपिस्टों का साथ देने में बीजेपी आरएसएस है। इसीलिए इनको खंडित किया जाता है, वल्लभ भाई पटेल की तरफ से, सलमान खुर्शीद की तरफ से, पूरे भारतवासियों की तरफ से। आनी चाहिए झूठ बोलने के लिए। काम कर रहे हैं मुझे, नहीं नहीं ये बताइए, आप अपने आप को धर्म गुरु बोलते हैं या स्कॉलर बोलते हैं? अगर आप स्कॉलर बोलते हैं, इस्लामिक स्कॉलर बोलते हैं अपने आप को, तो क्या आपके घर में झूठ बोलना सिखाया जाता है? झूठ बोलना सिखाया जाता है आपके धर्म में? अगर आप अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने वो काम करके दिखाया है जो कि कोई और नहीं कर पाया। राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। क्या बानों से सारे बानों का सफर निकल गया, पर किसी ने ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज करने की हिम्मत नहीं करी, क्योंकि उनको तुष्टिकरण की राजनीति करनी थी। आज जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में धर्म और जाति देखकर उसका लाभ नहीं दिया जाता है, सीधे जनता अकाउंट में जब पैसे जाते हैं ना बेनिफिट के, तो धर्म और जाति नहीं देखी जाती है। घरों में जब शौचालय बनाए जाते हैं तो धर्म और जाति नहीं देखी जाती है। फ्री का राशन जब पहुंचाया जाता है तो धर्म और जाति नहीं देखी जाती है। ऐसे हैं मेरे देश के प्रधानमंत्री और ऐसे हैं मेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। बात क्या करते हैं आप दोनों? शांत हो सुरेंद्र जी, आप फिर हंस रहे थे, लेकिन लेकिन एक बात का जवाब दीजिएगा। आईएसआईएस की तरह हिंदुत्व की राजनीति करने वाले गलत हैं। सलमान खुर्शीद अपने किताब में कहते हैं, तो वो इशारा किस ओर करते हैं? देखिए ये तो सलमान खुर्शीद से पूछिए कि वो किशार किस रोल कर रहे हैं उसका, क्योंकि आपने भी उनकी उस किताब में लिखे हुए शब्दों से सहमति जताई थी, इसलिए मेरा सवाल आपसे। मैंने आपसे मैंने कोई सहमति नहीं, मेरा आप दोबारा से रिकॉर्ड करके रिवाइंड करके देख लीजिए प्रीति। फिर से मैं कहता हूँ, आप तो स्वयं रघुनंदन है, भगवान राम की पुत्री है आप मेरी बात को समझिए। मैं तीन बातें कह रहा हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हिंदुत्व, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं सनातन धर्मी हूं, किसको जिसको जो कुछ करना है कर ले, मैं गर्व से कहता हूं मैं सनातन धर्मी हूं, नंबर एक। नंबर दो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी धर्म से कंपेयर नहीं किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर किया गया है, और जिन ऑर्गेनाइजेशन को आपत्ति है, व्यक्तियों को आपत्ति है, वो कोर्ट में जाए। हम बहुत स्पष्ट, हमारा हम यहां सलमान खुर्शीद को बचाने नहीं आए। मैं आप तीन चार बातें कहता हूं, बस सिर्फ जल्दी जल्दी से कह दूंगा। पहली चीज, अभी एक बहुत अच्छी बात कही अनिला जी ने कहा कि सीमा पर खतरा है। निश्चित तौर पर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, सीमाओं पर पाकिस्तान से भी खतरा है, चीन से भी खतरा है, और पूरे के पूरे आतंकवादी संगठनों से खतरा है, अफगानिस्तान से, हर जगह से खतरा है। और भारतीय प्रधानमंत्री जाते हैं बिरयानी खाने और झूला झूलाने और चाय पिलाने। आप एक चीज को देखिए, अभी कश्मीर बात कर रहे थे, हिंदुत्व की, हिंदुओं की, सारी चीजों की। भाई कश्मीरी पंडित जो इनके राज में अभी भगाए जा रहे हैं, चुन चुन करके मारे जा रहे हैं कश्मीर में, क्या वो कश्मीरी हिंदू नहीं है क्या? उनके खिलाफ, उनके पक्ष में नहीं खड़ा होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? ये लोग खड़े होते हैं। आप कश्मीरी हिंदुओं पर तो उन्होंने कहा कि वो गए तो गए, सलमान खुर्शीद ने वो भी कहा, तो मुझे ये भी बात जोड़ देनी चाहिए, भले ही आप इस पर नहीं रखेगा अपनी बात। उन्होंने कहा हुआ तो हुआ, सैम पित्रोदा वाला हाल हो गया। मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि भारत सरकार की जिम्मेवारी, भारत सरकार की जिम्मेवारी नहीं है क्या कश्मीरी हिंदुओं को बचाने की, जो पलायन कर रहे हैं कश्मीरी वैली से, इनकी चुन चुन के मारा जा रहा है, उनको आइडेंटिटी कार्ड दिखा दिखा करके मारा जा रहा है। आप मुझे बताइए, इनकी एक पार्टी है, इनकी सहयोगी अनिला जी जानती है उनके, उस पार्टी का नाम है निषाद पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद हैं। अभी उन्होंने 3 दिन पहले एक बयान दिया भगवान राम के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में, माता कौशल्या और राजा दशरथ के बारे में, इतना घनघोर गंदा बयान दिया है प्रीति जी, और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को साफ सूंघा हुआ है, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, इंक्लूडिंग जो यशस्वी मुख्यमंत्री अभी नीला जी कह रही है, योगी आदित्यनाथ जी, उसी के क्षेत्र से आते हैं संजय निषाद। भगवान राम के बारे में, माता कौशल्या के चरित्र के बारे में, और भगवान राम के जन्म के बारे में इतना नीच और गंदा बयान जो उन्होंने दिया है, उस बयान पर ये लोग कुछ बोल पाएंगे क्या? ये हिंदुत्व की और हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले, भगवान श्री राम के वोट वोट लेने वाले ये लोग, अभी तक सूट करेगी,
उस बात को हम लेकर चढ़ जाएंगे कांग्रेस पार्टी पर, और जिस पर हमें चुप रहना है हम आराम से चुप्पी साधे रहेंगे। मैं बार बार इनको कहना चाहता हूं, कुछ भी कहकर निकल जाते हैं कि उतनी जमीन दे दी, उतना दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, टसल। अरे 38,000 स्क्वायर किलोमीटर नेहरू जी दे गए चाइना को, रोक लेते, कहां से लेकर आए थे भाई, कहां से लेकर आए थे? रिपोर्ट लेकर बैठा हूं, ये मत कहना नहीं दी है, लेकर बैठा हूं, ये झूठ नहीं बोलता आपकी तरह। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन नेहरू जी कहां से लाए थे भाई? बादल आई थी क्या उनके ऊपर? पीछे परदादा दादाओं से लेकर आए थे क्या? दूसरा सुनिए, देश बंटवा दिया, देश बंटवा दिया, पाकिस्तान दे दिया, अब जब अपने आप चिल्लाते हैं। प्रीति जी इनको कहिए जरा रुके, मुद्दे पर रोना शुरू कर देते हैं डिबेट में, थितराई करेंगे, बहस करें, बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी इनके बस की सुनना है ही नहीं, पेशेंस नाम ही नहीं है। अरे उम्र से अगर इंसान को तजुर्बा हो जाता तो बात ही क्या थी, ये देखिए किस तरह से चिल्ला रहे हैं। अरे बच्चे डर जाएंगे भाई, स्काइप में मत घुसिए इतना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर तो हमारे नेहरू जी दे गए, पाकिस्तान बनवा दिया, ठीक है, देश का बंटवारा करवा दिया, और आप यहाँ आकर दूसरी पार्टियों को कह रहे हैं बॉर्डर। और बड़ी याद आई आपको, बड़ी याद आई कश्मीरियों की, गुलाम नबी आजाद के बयान याद है कि नहीं है, अब्दुल्ला के बयान याद है कि नहीं है, कि कोई छू नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता 370 को। बीजेपी ने जब 370 हटाई और वहां पर कश्मीरी पंडितों के लिए रास्ता खोला, आप तो सबसे अगेंस्ट थे, आप तो सबसे अलग थे, आप तो सबसे चाहते थे कि 370 वहां हमेशा रहे। मतलब कमाल, एक दिन स्टैंड इधर हो जाएगा, एक दिन इधर हो जाएगा, इतिहास तो पढ़ा कीजिए। देखिए मुद्दों पर हम रहे तो ज्यादा बेहतर है, हम अगर बात कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों की तो उन पर फैक्ट्स के साथ बात किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। शिवम बात जल्दी से अपनी 30 सेकंड में पूरी कीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक बात कश्मीर की है, कश्मीरी पंडितों की है, हमेशा कांग्रेस पहले दिन से इनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहा है कि ये 370 के समर्थन में रहे हैं, कश्मीरी पंडितों की कभी बात नहीं। लेकिन शिवम अभी अगर कश्मीरी हिंदुओं पर के साथ अगर कुछ भी हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी ना, तरीके से तो बिल्कुल उसके उस पर जवाब दीजिए ना। बिल्कुल जिस पर सवाल किया है, बिल्कुल लेनी पड़ेगी, बिल्कुल लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ चीजों को बेहतर करना पड़ेगा, विश्वास जमाना पड़ेगा। वहां पर गृह मंत्री जी गए, वहां पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स शुरू करने की बात हुई, वहां पर न्यू फ्रंटलाइन लीडरशिप खड़ी की गई, वहां पे जो पुराने लोग हैं उनको एलिमिनेट किया गया, वहां पर जो सेपरेटिस्ट हैं इनकी तरह बुलाकर उनको बुके देकर हाथ नहीं जोड़े गए, उनको तिहाड़ में लाकर जेल दे दिया, जिनको ये पुलिस की सिक्योरिटी देते थे और दुनिया भर का खर्चा देते थे। तो तमाम चीजें हुई हैं। हाँ मैं जरूर कहता हूं कि आने वाले समय में चीजें बदलेंगी, चीजें बदल रही हैं और बेहतर होगा, लेकिन इन्होंने जो किया है उसको भी तो इन्हें याद रखना चाहिए ना, इन्होंने किया क्या। आपके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात को जवाब देना चाह रहे हैं, काउंटर करना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, कश्मीरी पंडितों का पहला पलायन हुआ था वीपी सिंह के दौर में और वाजपेयी ने सपोर्ट किया था उनको, दूसरा पलायन मोदी के दौर में हो रहा है पंडितों का टारगेट किलिंग के साथ, मोदी हमेशा जिम्मेदार है इसके। आपको शायद आइडिया नहीं है सरफुदीन जी, वो ऊपर की एक लाइन पढ़ लेने से इतिहास नहीं पढ़ा जाता। जिस वीपी सिंह सरकार की आप बात कर रहे हैं उसको आए हुए एक महीना हुआ था जब ये विस्थापन हुआ है, उससे एक महीने पहले राजीव गांधी जी की सरकार थी, एक महीने पहले तक, और JKLF से लेकर तमाम वो पार्टियां थी जिन्होंने आगे बढ़ाया चीजों को। ये 80 के दशक से प्रॉब्लम चला रही है, आप जानते भी हैं कश्मीर के बारे में, या कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। कश्मीरी पंडितों का विस्थापन कोई एक दिन या एक महीने का काम नहीं था, 10 साल तक लगातार इसको प्रोपोगेट किया गया कांग्रेस की सरकार में, उस पर कोई काम नहीं किया गया, तमाम लोगों को अपने साथ लाया गया और उसके बाद वहां विस्थापन हुआ उनका। एक महीने में क्या कर लेते हैं या कोई भी प्रधानमंत्री क्या कर लेते हैं? दिनेश गुप्ता को मार देती है पुलिस और दलितों को मार देती है पुलिस। दलित हिंदू है, दलित हिंदू है भाई, दलित हिंदू है, वो हिंदू है, वो हिंदू है, आप अपनी बात कीजिए ना, दलित हिंदू है, चाहे दलित हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे हिंदू हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी हाथ से निकल रहे हैं। मैं आप दोनों को मैं कहूंगी कि थोड़ा रुकिए, फैजान का रुख करना चाहती हूँ। फैजान जरा उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, ये लोग तो कश्मीर में हिंदुओं के हाल के बारे में बता रहे हैं, जरा उत्तर प्रदेश में इस वक्त की क्या स्थिति बन रही है, जिस बात को आप कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान बीजेपी कराना चाहती है तो बीएसपी कैसे रोकेगी? बीएसपी जनता के हित की बात उठाएगी, बीएसपी जो है बीजेपी के हर उस मुद्दे को उठाएगी जो महंगाई नहीं रोक पाई, बेरोजगारी नहीं रोक पाई, और कोरोना काल में जो उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम से गुजरी है उसकी बात उठाएगी, किसान की बात उठाएगी, गरीब की बात उठाएगी, मजदूर की बात उठाएगी, छोटे व्यापारी की बात उठाएगी,
वो तमाम मुद्दे पे कानून व्यवस्था की बात करेगी जो भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त कर दिया उत्तर प्रदेश में। आपको प्रीति में लेटेस्ट एग्जांपल दे दूं, जिस तरह से कासगंज में कहां थे कोरोना के दौरान, क्या जमीन पर दिख रही है बीएसपी? आपकी लीडर मुख्यमंत्री रही है कई बार उत्तर प्रदेश की, कहां थे और ट्विटर के अलावा? शिवम एक मिनट, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पे कल खुद मैं कासगंज जा रहा हूँ, उस पीड़ित परिवार से जिसे पुलिस कस्टोडियन में मौत हो गई जिस लड़के की, उसमें मैं खुद कल शिरकत करने जा रहा हूँ, उनसे मिलने जा रहा हूँ, उनके दुख को सुनने जा रहा हूँ। प्रियंका गांधी दिखती हैं जमीन पर, अखिलेश यादव मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी के कई सीनियर लीडर दिखते हैं, लेकिन मायावती तो कहीं दिखती नहीं है, वो अपना प्रतिनिधि मंडल भेज देती है। तो कभी कोरोना में नहीं दिखे, मैं कह उनके आदेश के अनुसार मैं कल खुद कासगंज जा रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ, मैं खुद कल कासगंज जा रहा हूँ उनके निर्देश पे। तो वही तो हम कह रहे हैं कि मायावती खुद नहीं उतरती है जमीन पर, राष्ट्रीय महासचिव अपने प्रतिनिधि मंडलों को चुन चुन कर भेजती है। देखिए आप किसी से ऐसे जीतेगा आप चुनाव, ऐसे जीतेगा, आप किसी से किसी की तुलना नहीं कर सकते। नहीं नहीं, आपके हिसाब से या मैं ये दूसरे पार्टियों के हिसाब से पार्टी नहीं चलेगी ना, हम थर्ड लार्जेस्ट पार्टी हैं हिंदुस्तान की, तो हमें और भी काम है, हम हर जगह पहुंचते हैं, हर दुख की घड़ी में जानते हैं, चाहते हैं, मिलते हैं, लेकिन आप ये कहें वो क्यों नहीं निकल रही है, वो ऐसा क्यों नहीं कर रही है, ये उचित नहीं है। भाई हम लोग उन्हीं के कार्यकर्ता हैं, हम उन्हीं के निर्देश पे काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है। एक जगह कार्यकर्ता कहां थे आपके, कोरोना के दौरान कार्यकर्ता कहां थे? कार्यकर्ता वहां पर थे जब आपके माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खुद शुक्रिया अदा किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी हैसियत नहीं है, राजमहल में बैठकर इतना डर गए थे कोरोना से, इतनी बार मुख्यमंत्री रहे आप, उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान किया? जो लोग आपके वोटर हैं उनका ध्यान किया? जो लोग आपके आसपास वाले हैं उनका ध्यान किया? अरे और भी कुछ नहीं, कम से कम लोगों की मदद ही कर देते आप मुख्यमंत्री से, अरे मदद ही कर देते कम से कम। नहीं, मुख्यमंत्री बनना है, वोट चाहिए, एक धर्म की वोट चाहिए, जाति विशेष की वोट चाहिए, लेकिन जब कोरोना था तो गायब। अरे वो अपना जो राजमहल बनाया हुआ है उससे बाहर भी निकल जाया कीजिए, कभी कभी उससे बाहर भी निकल जाया कीजिए। जब कोरोना में देश की प्रदेश की जनता को जरूरत थी, कहां थे फैजान? कहां थे जो बहुजन समाज पार्टी ने, कहां थे बहुजन समाजवादी पार्टी वाले, बताइए ना कहां थे? इस तरह से चिल्लाने मत दीजिए, कहां थे जाके पूछिए, कहीं भी नहीं बताते रहिए। मेरी कमी उसकी कमी से ज्यादा चमकदार है, लेकिन सच तो ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस वक्त देख रही है, और जिस तरह से सलमान खुर्शीद ने किताब के बहाने हिंदुत्व का एक नया बम फोड़ा है, आतंकवादी संगठन से तुलना कर दी है, ये कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए सेल्फ गोल तो नहीं साबित होगा? बड़ा दिलचस्प होगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। न्यूज 18 के कू हैंडल पर आज हमने सवाल पूछा था, क्या बीजेपी का आरोप सही है कि कांग्रेस अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की सियासत करती है? जवाब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी और अपने सुझावों के लिए आप न्यूज 18 के कू हैंडल को फॉलो कीजिए।